सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति इस समय चरम पर है, पर वहीं दूसरी तरफ हिंसा भी चरम पर है। हिंसा की बात यहां पर कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी जिस तरह से बंगाल टू बिहार हिंसा हो रही है, उसको लेकर लगातार जो आपसी सौहार्द है उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है। भाई, यहां पर हम बात तो गंगा जमुनी तहजीब की करते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, और यहां के लोग भी सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। पर अगर सम्मान सभी धर्मों का होता है, सबके प्रति प्रेम और अपनापन है, तो ये हिंसा कौन कर रहा है? ये हिंसा करने वाले लोग कौन है? ये रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वाले लोग कौन है? ये मंदिर तोड़ने वाले लोग कौन है? ये नारे लगाने वाले लोग कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तरह से आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग कौन है? ये बात केवल बंगाल और बिहार नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी तमाम तरह की घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको लेकर लगातार जो हमारी आपसी मोहब्बत, अपना प्रेम होता है, उसको कुठाराघात लगता है। भाई, एक तरफ तो हम यहाँ बात सम्मान की करते हैं, प्रेम की करते हैं, अपनापन की करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने की बात करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर बधाई देने की बात करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, होली के रंग भी लगाते हैं और ईद पर एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। ये हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश की व्यवस्था है और ये हमारे देश की संस्कृति है। अगर हमारे देश की संस्कृति आपसी लगाव है, तो ये संस्कृति कौन है जो बंगाल से लेकर बिहार तक चल रही है? ये संस्कृति कैसी है जो राजस्थान में हिंदू नब्बर्स पर अगर कोई जुलूस निकलना उस पर पथराव करती है, तो वो संस्कृति कौन है जो यहाँ पर एक अलग तरह की विचारधारा को जन्म देती है? वो संस्कृति कौन है जो यहाँ पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ रही है? अब वो संस्कृति है या किसी साजिश, ये तो शायद उस साजिश में शामिल लोग बता पाएंगे या उस साजिश से पीड़ित लोग बता पाएंगे। गिरफ्तारियां होती रहती है, कार्रवाई होती रहती है, पर कहीं ना कहीं इन गिरफ्तारियों के बाद एक प्रश्न तो हमेशा मन में रह जाता है कि आखिर ऐसे साजिशन वाले करने वाले, ऐसे लोग, पथराव करने वाले लोग चाहते क्या है? उनकी विचारधारा क्या है? उनकी रुचि क्या है? क्या उनकी रुचि हमारे देश के आपसी सौहार्द को खत्म करने की है, या उनकी रुचि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की है, या हमारे देश के जो एक छवि है, वैश्विक छवि, कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी छवि को खराब करने की है? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक और सामने आती है कि ये जो हिंसा होती है, ये बंगाल में क्यों? 2021 में मई में चुनाव जीता टीएमसी ने, ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद वहां पर शुरू हो गया था हिंसा का दौर। कहा जाता बलात्कार भी हुए, दुकानें लूटी गईं और भाजपा कार्यकर्ताओं को वहां जानबूझ के लक्ष्य बनाकर मारा गया, पीटा गया, हत्याएं की गई, और हत्या इतनी की गई कि उसके बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई और तमाम तरह की वहां पर कार्रवाई हुई। उसके बाद ममता बनर्जी सरकार सत्ते में आई और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी उस समय तमाम तरह की टिप्पणी ममता सरकार पे की। कारण इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? कारण ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुख्ता क्यों नहीं हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सौहार्द को खत्म करने का जो प्रयास विरोधी लोग कर रहे हैं, असमयागमी लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये ढीला रवैया सरकार का क्यों? खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं।
इसके बारे में पता चला सांसद और वहाँ के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था, सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही रहे वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग, इस बार आज काहे कर रहा था, हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए और बड़ा तकलीफ हुआ। रामनवमी मनाना हिंदुवादी कैसे हो गया? प्रभु राम की पूजा भारत में नहीं होगी क्या? तो क्या बाहर में होगी? क्या सासाराम में और बख्तियारपुर में और बिहार शरीफ में और मुजफ्फरपुर में और पटना में? मैं पटना का सांसद हूँ, रामनवमी जुलूस खूब निकला, तो बिहार शरीफ में आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आप व्यवस्था नहीं करेंगे और राम की पूजा करने वालों पर आपकी टीका करेंगे, ये बहुत ही भ्रष्टाचार योग्य भ्रष्टाचार करता हूँ। प्रासंगिक विषय भी है, दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है वहां पर भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती है। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गए, क्षेत्र को बांटने पर आ गए, अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। चर्चा वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर बात आपसी सौहार्द की है, बात देश की शांति की है, बात हमारी तहजीब की है, बात हमारी संस्कृति की है और बात उन विरोधियों की है जो ऐसी साजिशन चीजें कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है, क्योंकि अगर बढ़ावे की बात करेंगे तो अगर कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट करती है, अगर कार्रवाई यहाँ पर सख्ती से साथ नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाले लोग भी उन्हीं में से एक है। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है, हमारे साथ मेहमान जुड़ के रूबरू कर, नेता भाजपा से रामनिवास यादव अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से बेबे पांडे अपना पक्ष रखेंगे, विकास मिश्रा सनातन महासभा से अपनी बात रखेंगे, संजय मोहन तकी आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगे और सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा और रामनिवास रहेगा, रामनिवास भाई, हिंसा हो रही है जिसके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, पर यह हिंसा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बंगाल टू बिहार और राजस्थान में भी हुई है, होती रहती है, वहाँ पर कई उदाहरण मेरे सामने, चाहे परशुराम जयंती की बात करें और चाहे रामनवमी की बात करें, चाहे हिंदू नववर्ष पर पथराव की बात करें और चाहे 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने की बात करें, वहाँ पर भी समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कैसे देखते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन है और कार्रवाई एक नज़ीर देने वाली क्यों नहीं होती है कि ऐसे लोग, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग भूल जाएं कि आपसी सुहाग को ख़त्म करने का जो उनका बीड़ा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत उठाया, कैसे देखते? गौरव जी, निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है जी। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जी लगातार बढ़ रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, तो कहीं न कहीं उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा जी, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों का नज़रिया बदला था जी, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को, चाहे वो हमारे देश के ही हों जी और कुछ बाहर के लोग भी हैं, अच्छा, निश्चित रूप से इसमें बाहरी साजिशें भी शामिल हैं जी। जिस प्रकार से जी कुछ राज्यों को, जहां उनको लगता है कि जहां बीजेपी सरकार नहीं है जी, और क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है वहां पे कानून व्यवस्था पे थोड़ा सख्ती रहती है, अच्छा, इसलिए ऐसे भी अवांछित तत्व ऐसी घटनाएं करने के हिम्मत नहीं जुटाते हैं। आप उत्तर प्रदेश देखिए जी, यहाँ तो दंगाई दंगा का नाम ले लो तो कहेंगे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे हम, अच्छा, हम एक पत्थर नहीं चलाएंगे, अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीतिक कारणों से, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ सरकारें हैं, चाहे बिहार की हो जी, चाहे बंगाल की हो, चाहे राजस्थान की हो, अगर इन लोगों ने सख्ती से इस पे कोई निर्णय लिया होता, दंगाइयों को दंगाई समझा होता जी, तो शायद आज ये नौबत ना आती, अच्छा, लेकिन दंगाइयों को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पे जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी माननीय ममता बनर्जी ममता जी ने जो है कहा
कि हिंदुओं को जो है मुसलमानों के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर वहां दंगा भड़क गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं? अच्छा, तो गौरव भाई पता लगा, दुर्भाग्य है जी पश्चिम बंगाल का जी कि वहां के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जी कि जिनको ये कहना पड़ रहा अगर वहां जाएंगे क्योंकि वहां मुस्लिम समाज के लोग हैं दंगा भड़केगा तो उनको बढ़ावा देने का काम किया। वही हाल बिहार का जी, बिहार में दंगा भड़क गया जी, वहां हजारों लोगों घर फूके जा रहे हैं बिल्कुल, और वहां के मुख्यमंत्री महोदय जी रोजा अवतार मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश सब ठीक है, सब ठीक है। यही हाल राजस्थान में है जी। तो मैं गौरव भाई निश्चित रूप तकी भाई हंस रहे हैं, दिल्ली की दिल्ली पर को याद नहीं लगता है, जो भी सैयद मोहम्मद तकी हंस रहे हैं दिल्ली दंगे भूल गए लगता है, कि दंगाइयों की तरह है जी, पेश आना चाहिए, वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा बिहार के भी वीडियो आ रहे थे जी, और पश्चिम बंगाल के वीडियो आ रहे थे जी, वहाँ लोगों ने मांग की है यहाँ पर भी बाबा जी का बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, नहीं तो ये प्रदेश जल जाएंगे। अच्छा, बुलडोजर जाइए, लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए। अच्छा, कि बाबा जी का बुलडोजर जी पश्चिम बंगाल में बिहार में चलाना पड़े। वहाँ की सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, वहाँ जनता ने उनको चुना है तो उनको कानून का राज स्थापित करना चाहिए। जो भी दंगाई है उनको किसी जाति धर्म के चक्कर नहीं देखना चाहिए। अच्छा, दंगाई दंगाई होते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बंगाल में विपक्ष में हैं, राजस्थान में मजबूर विपक्ष में हैं और बिहार में मजबूर विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बोलती है वहाँ पर? क्या आपको उन लोगों के साथ जो पीड़ित है कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? ये जरूरी है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी, क्योंकि आप पर आपको मजबूत विपक्ष भी मिला हुआ है। और बंगाल में तो आपने करिश्माई वहाँ पर परिणाम सामने लाए थे, 3 सीट से 73 पहुँचे थे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो वहाँ पर पीड़ित है वास्तव में जिस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही है ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरव जी निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है जी, यही आप देख रहे होंगे कि हमारी जिम्मेदारी का नतीजा है जी, कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है जी, उनके घरों को फूंका जा रहा है। यही हाल पश्चिम बंगाल, यही हाल बिहार का, यही राजस्थान का है। जो भी दल इन दंगाइयों के खिलाफ खड़ा होता है जी, उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार के संरक्षण में जी दंगाई करने लगते हैं। अच्छा, फिर भी हमारे कार्यकर्ता हार नहीं मानेंगे। पश्चिम बंगाल को, बिहार को, राजस्थान को, अच्छा, जब तक शांति नहीं आएगी, अच्छा, हमारी सरकार तो सैयद मोहम्मद तकी बराबर है, पूछूंगा इनसे, इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। दंगाइयों को कभी बख्शने वाले हमारे कार्यकर्ता नहीं। ठीक है, देवी पांडे जी भाई क्या बोलते हैं? और इस तरह की जो जगह है हमारे देश में फिलहाल नहीं है ऐसी व्यवस्थाओं को। हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, अगर यात्रा निकल रही है तो उसे विरोध कैसा? जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम हमारे देश में होते रहते हैं, शोभा यात्राएं भी निकलती हैं, मुहर्रम भी होता है, चहलुम भी होता है, ईद भी मनाई जाती है, होली भी होती है, और सभी त्योहारों को हम लोग आपसी सौहार्द से मनाते हैं। फिर यात्रा के समय इस तरह का पथराव का क्या संदेश जाता है? क्या प्रायोजित है या वास्तव में वहाँ की सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही हैं, इसके चलते वहाँ की स्थिति यहाँ की दुर्भाग्यपूर्ण होती नजर आ रही है? देखिए गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच को सप्रेम मैं धन्यवाद दूंगा जी, मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूँ और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की आजादी चाहूंगा जी। इस्लामिक देशों के संगठन ने इस्लामिक ऑपरेशन ऑफ ने बिहार शरीफ, महाराष्ट्र और बंगाल के मामले पे सवाल उठाया है जी, निंदा की है जी। ठीक है भाई, इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनकी भी अपनी एक एकता है तो वो उठा सकते हैं। IOC बिल्कुल, हरिद्वार के धर्म संसद को लेकर के कर्नाटक का हिजाब विवाद, भाजपा नेताओं द्वारा जो नफरती बयान दिए गए, अच्छा, नागरिकता संशोधन कानून में जो कृत्य रहा सरकारों का जी, विदेश मंत्रालय ने कभी कहा था कि ये तो आंतरिक मामला है देश का तो IOC को दखल नहीं देना चाहिए, तो भाई मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की भी बात हमें बांग्लादेश में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से वहाँ रुके थे। अच्छा, वो भी उनका आंतरिक मामला है जी। हम अगर किसी के घर में दखल देंगे तो वो भी हमारे घर में दखल देगा, पहली बात। दूसरी बात, आज एक मसला सामने आया, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी घटना अंतर्राष्ट्रीय पटल पे होती है तो हमारे देश में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे कि लोगों का नजरिया जो है या लोगों की नजर जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है जी। सोशल मीडिया में है, इसको ज्यादा स्पष्ट आप ही कर पाएंगे या आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता हैं वो बता पाएंगे जी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बताए। अब सवाल है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में तो कोई घुसपैठ हुई नहीं, सरकार का दावा था जी, और वहां पे अब ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 11 जगहों के नाम बदल दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के अंदर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटका करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम कमजोर हो रहे हैं? अच्छा, इसको भी देखने की आवश्यकता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा, अभी रविशंकर प्रसाद जी का आप एक वीडियो दिखा रहे थे, उस वीडियो को भी मैंने देखा जी। भाई
वो सवाल उठा रहा है जिसने अपने अयोग्य बेटे को सुप्रीम कोर्ट का वकील नामित करवा दिया, जिसने AOR की परीक्षा ही नहीं पास की सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा। और आदरणीय SC बाठिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इस पे सवाल भी खड़े किए। अच्छा। तो भाई मुझे लगता है कि बात वो लोग करें जो कि परिवारवाद को पोषित ना कर रहे हो, क्योंकि परिवार आपको दर्द क्यों हो रहा है? अगर रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो रहा है तो आप विरोध करिए ना। मैं वही आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, अब यहाँ पे एक सामाजिक बात होती है, बता दीजिए। जब बात होती है किसी भी धर्म की, किसी भी त्योहार की, किसी भी मान्यता की जी, तो मुझे लगता है कि जब ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि रामनवमी के जुलूस में तलवार, बंदूक, कट्टा, पिस्टल लेकर के जबरदस्ती भगवा झंडा मस्जिदों पे चढ़ करके झंडे उतार करके झंडे लगाने, ऐसे कई दृश्य चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा। मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो। अच्छा। एक उदाहरण रखता हूँ केवल, अभी एक बंगाल का जो हिंसा का आरोपी था जी, वो बिहार में पकड़ा गया। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि कहां कहां से प्रशिक्षित करके या अराजक तत्व दूसरे दूसरे राज्यों में जाके दंगे फैला रहे हैं, 19 साल का लड़का। ठीक है। सबसे बड़ी बात सवाल उठता है, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र भाजपा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य है। अच्छा। सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य है। ठीक है। योगी जी को तो प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे योगी जी के राज में कोई दंगा बलवा हुआ ही नहीं। अच्छा। NCERB के आंकड़े बोले तो दे देता हूँ, 2016 में 8016, 2017 में 8,990, 2018 में 8,908, मेरी बात आ जाए, दंगे हुए 2019 में 5,714, 2020 में 5,376 दंगे। सांप्रदायिक दंगे बलवे की घटनाओं को NCERB रिकॉर्ड करता है। आप दंगा किसको मानते हैं? आप दंगा केवल उसको मानते हैं जहां पे आपको जालीदार टोपियां दिखाई देती है? अच्छा। क्या आप दंगा उसको नहीं मानते जहां पे उद्घोष के और नारों के साथ दो समुदाय अराजकता के साथ आपस में लड़ जाते हैं? वो भी तो दंगों की श्रेणी में आता है। अच्छा। मेरी नजर में तो दंगा और बलवा एक तरह से हिंसात्मक प्रवृत्ति का वो जनक है जिससे कि समाज की व्यवस्था बाधित होती है। अच्छा। भाई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने टोपी लगाई थी कि उसने तिलक लगाया था। अच्छा। जो दंगाई है वो दंगाई। आपके मुताबिक अगर कोई सामने जसीराम का नारा लगा रहा है और सामने उसने अगर पत्थर फेंक दिया वो भी दंगा हो गया? पत्थर कहाँ फेंका? नहीं, अगर फेंक दिया तो कहाँ फेंका बताइए ना। अगर उसने कोई आपी ने कहा ना जय श्री राम का नारा लगा के अगर उसने पत्थर फेंक दिया, जय श्री राम का नारा लगा के नहीं। हाँ। अगर कोई इंसान जय श्री राम का नारा लगा रहा है और सामने वाले किसी ने पत्थर फेंक दिया तो वो भी दंगा माना जाएगा? देखिए, कानून में हिंसा की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। ऐसी कोई भी हिंसा जिससे कि सामाजिक अराजकता फैले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो, दो समुदायों के मध्य खूनी हिंसा हो। अच्छा। भाई कानून ने बड़े स्पष्ट कर रखा है, कानून में हिंसा के लिए कोई राजनीतिक शब्द नहीं है। अच्छा। हिंसा हिंसा होती है, चाहे वो दो गुटों के बीच में हो, चाहे वो दो संप्रदाय के बीच में हो। अच्छा। तो ये दावा करना, पहले ये पोषित करना कि बिल्कुल दंगा मुक्त प्रदेश है, माफ कीजिएगा। अच्छा। गोरखपुर दंगे आपको याद होंगे, कुछ दिन पहले अभी आपको पता होगा कि ये बदायूं में 300 मुस्लिम युवकों के ऊपर जिस तरह से हुआ। मुजफ्फरनगर की बात ये लोग बार बार करते, आरोपित करने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने किसको उस दंगे का साजिश करता वो किया, किसको सजा सुनाई? भाजपा विधायक था वो भी। तो मुझे लगता है बात सरकारों की नहीं है, मेरी बात आ जाए, बात सरकारों की नहीं है, बात यहाँ पे है नैतिक शिक्षा से लोगों को भ्रमित करके भटकाने के अलावा धर्म के नाम पे केवल बांटने की राजनीति। अच्छा। भाई मैं तो एक सवाल मांग रहा हूँ, बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, मैं सवाल भी उठा दे रहा हूँ, बोल दीजिए। सवाल ये है मेरा, जब इस देश में सारे समुदाय, हर सर्वधर्म संभाव के लोग हैं, यहाँ पे लोग इतने सालों से साथ रह रहे थे, तो अचानक से कहाँ पे ये लोगों का धर्म संकट में पड़ गया, कहाँ से लोगों को धर्म चेतना जाग गई कि भाई मुझे तो नहीं पता चला। मैं मुंबई में पला बड़ा, मेरे साथ कई विपरीत समुदाय के लोग पले बड़े, लेकिन हमारे बीच में तो कभी कोई किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ और ना हमें कभी एहसास हुआ कि हम किस धर्म से आते हैं। अच्छा। भाई धर्म आपका संस्कार है, धर्म आपके अच्छा। संस्कार का जनक। तो आपका कहना है कि तो आपको परिवार से आपका कहना है ये घटना अभी होनी शुरू हुई है? भाई देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है अच्छा। तब से तो आप ये कहें भाई धर्म की राजनीति करता कौन है? अच्छा। ये तो इनका कॉपीराइट है ना, ये कॉपीराइट मीडिया में सर्वविदित है। अच्छा। भाई धर्म की राजनीति कौन? आप रोजा तर्क रहते, वो क्या है भाई रोजा हफ्ता? मैं तो पूछ रहा हूँ, अच्छा सवाल उठा दिया आपको, कॉपीराइट है कि नहीं? अच्छा सवाल उठा दिया। अभी अभी बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने नवमी के समय और नवरात्र के समय बिल्कुल दुर्गा सप्तशती और रामायण की बात कही, बिल्कुल आदेश दिया, समाजवादी पार्टी ने उसका स्वागत नहीं किया, ये भी स्वागत किया। हाँ। ठीक है, तो आप मैं तो पूछ रहा हूँ अब। हाँ। अब तो रमजान चल रहा है, बताइए 75 जिलों को अनुदान कब जा रहा है रोजा हफ्ता इफ्तार कराने के लिए? अच्छा। भाई पसमांदा समुदाय, सबका साथ सबका विकास, यही तो कहते हैं ना। अच्छा। और रही बात, तो आप तो बीजेपी, आप तो 80-20 की राजनीति की बात कर रहे हैं ना। 80-20 की राजनीति, ये शब्द भी तो इन्हीं का दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी ने। अगर 80-20 की राजनीति पे आरोप आप इन पे लगा रहे हैं विवेक भाई,
तो 20-80 की राजनीति आप भी तो कर रहे हैं। तो मेरी बात आ जाए, आप सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। हमने तो संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया, इनके कार्यकाल में तो संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं। अच्छा, हमने तो पुजारियों को तनख्वाह देने का काम किया, ये तो मदरसों के आधुनिकीकरण कर रहे हैं और 4,000 उर्दू शिक्षक भर्तियों की भर्ती ही निरस्त कर देते हैं। अच्छा भाई, बिना शिक्षकों के मदरसों का आधुनिकीकरण, ये तो सबसे बड़ा हास्यप्रद वो लगा, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सी सरकार है कि सर्कस चल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं पूछता हूँ, एक सवाल, इस देश के आजादी से लेके अब तक का जो इतिहास है भाई, इनके अनुसार तो 2014 के बाद देश आजाद हुआ भाई, कागज दिखाने की बात ये करते हैं, ये बात अलग है कि आज डिग्रियां नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी। तो मुझे लगता है कि देखिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बात जो विषय की है आज, आज कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, शिक्षा चिकित्सा के व्यवस्थाओं में अभाव है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से जातीय उन्माद पैदा करके, देखिये ये कहां से शुरू हुई कवायद, भाजपा ने जो राजनीति के एक समीकरण स्थापित किया इस देश के अंदर 2014 के बाद, कहीं ना कहीं छोटे छोटे दल, जो चाहे वो इस धर्म के हो चाहे उस धर्म के हो, इन लोगों ने स्वयं को स्थापित करने के लिए उस परिपाटी को अपनाने का प्रयास किया। इसका उदाहरण आपको देखना है, हैदराबाद के एक भाजपा नेता थे, उनके देखे परसों के भाषण है, इस तरह से मंचों से हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ के सामने गालियां देते हुए अपने बेटे को प्रस्तुत कर रहे हैं, उत्तराधिकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे दल अब जो स्वयं को स्थापित करने के लिए भाजपा की परिपाटी पे चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा उनको नियंत्रित करने में असफल साबित हो रही है। जी भाई, सीधी सी बात है, लोलुपता और अवसरवादिता राजनीतिक गलियारों का एक सत्य है, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों को यह समझ में आ गया जो कि धार्मिक परिपाटी पे चलते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर दल ऐसे हैं भाई। जैसे आप लुलु मॉल की बात कर लीजिए, वहां पे जब अजान की, जब वहां पे इसकी बात हुई, नमाज पढ़ने की बात हुई, एक विवाद खड़ा हुआ, लेकिन आपको पता है उसी लुलु मॉल में जब रामनवमी का कार्यक्रम हुआ, उसको नहीं दिखाया लोगों ने, या उस पर बात नहीं की था भाजपा ने। तो मेरे कहने का मतलब क्या, आप कर लेते ना, आप चले जाते। तो कह रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं। अच्छा। ये सवाल भी तो मैं ही उठा रहा हूं कि भाई आप अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सर्वधर्म मुख्यमंत्री केवल हिंदुओं के नहीं हो सकते, आप एक संवैधानिक मुख्यमंत्री हैं इस देश का, उत्तर प्रदेश का, चाहे वो सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, मुस्लिम जो है, आप सभी 14 करोड़ सभी के, आप 27 करोड़ जितने भी जनसंख्या हमारी है, आप सभी के मुख्यमंत्री। अभी अग्निवीर भर्ती को लेके बवाल हो रहा था जी, आगजनी हुई, पथराव हुआ था, सब जगह हुआ जी, वो सांप्रदायिक हिंसा में आएगा, दंगे में आएगा। हिंसा को स्पष्ट कर दिया है कानूनी प्रावधान के अंदर। अच्छा। और कानून में हिंसा का सीधा सीधा आशय है सामाजिक संपत्ति का नुकसान, अच्छा, दो गुटों में बलवे मारपीट, अच्छा, आगजनी करना, ये सारी स्पष्ट व्याख्या है कानूनी प्रक्रिया के अंदर। अच्छा। इसमें आप इसको चाहे सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ के देखिए, अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति तो सांप्रदायिक हिंसा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा तो हुई। सांप्रदायिक हिंसा कैसे बोल देंगे, संप्रदाय से मैं हिंसा नहीं, मैंने अग्निवीर की, मैंने क्या कहा, मैंने हिंसा की स्पष्ट उल्लेख किया गया है कानून में, आईपीसी के प्रावधानों में हिंसा का उल्लेख स्पष्ट है। अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ या आपसे मारपीट कर रहा हूँ, 504, 506 स्पष्ट उल्लेख है, उसमें दाएं बाएं घुसने की जरूरत नहीं, राजनीति उसमें नहीं आएगी, वो स्पष्ट जो व्याख्या कानून की परिभाषित व्याख्या है उसके अनुसार। पर आपने पूरी बात कह दी, पहली बात ये नहीं कही कि अगर रामनवमी के जुलूस पे पथरा हुआ है तो यहाँ पर मैं निंदा करता हूँ। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, रामनवमी के जुलूस में तलवार लेके लोग क्या कर रहे थे, बंदूकें लेके क्या कर रहे थे? अच्छा। क्या वो लाइसेंसी बंदूकें थी? अच्छा, नहीं, जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मेरे सवाल का जवाब दे, इस मंच पे बैठे लोग। अच्छा। किस रामनवमी में तलवारें लेकर के बंदूक, क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है सोशल मीडिया पे, जो जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या वहाँ पे भगवे पहन करके लोग जिस तरीके से तलवार लहरा रहे हैं, कौन से कानून के अनुसार वो तलवार उनको दी गई? अच्छा। कौन से वो जो गन लेकर के, जो पिस्टल लेकर के, चाहे वो अवैध बंदूकें लेकर के, अच्छा, जो वहां पे दिख रहे हैं, वो बंदूकें कहां से आई? अच्छा। मैं तो ये पूछा, जब वो भीड़ सुन लीजिए, जब कोई रैली निकलती है, कानून सुरक्षा व्यवस्था की उनको पहले से वो नियोजित कर दी जाती है। अच्छा। रूट तय कर दिया जाता है। अच्छा। क्या पुलिस को, वो पुलिस ने क्या वो परमिशन दी थी तलवारें लहराने की? क्या पुलिस ने उस बंदूकों को लहराने की परमिशन दी थी? क्या पुलिस ने परमिशन दी थी कि वहां पे मस्जिद में खड़े होकर के भगवे झंडे टांगे जाए? अरे आप अपने धर्म की, अपने धर्म को इतना कमजोर कर रहे हैं, आप अपने धर्म को लोगों में थोपने का प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, ठीक है, हमने तो प्रयास नहीं किया कभी, और हमारा धर्म कभी संकट में नहीं है, हम हिंदू हिंदू है। चलो ठीक है, विकास मिश्रा कैसे देखते हैं पूरी घटनाक्रम को, और क्या हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था के लिए जगह है? जी बिल्कुल नहीं है, और जो घटनाएं हुई निंदनीय है, और जैसा ये कहा जा रहा है कि भाई यूपी में नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर यूपी में ऐसी कोई घटना नहीं सुनने में आई जी कि रामनवमी के शोभा यात्रा पे कोई पथराव हुआ, इससे पूर्व में हुआ था जी,
जो इस वर्ष कम से कम नियंत्रित रहा जी। और इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं जी कि उन्होंने ऐसे शासन व्यवस्था लागू करी जी। रही बिहार की बात या बंगाल की बात जी, तो देखिए बंगाल में जो कृत्य हुआ ठीक है जी, रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुआ, लेकिन सभी दलों के लिए जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबसे मैं कहूँगा कि ये विचारणीय बात है जी कि वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं कहती हैं कि उस क्षेत्र में ना जाइए जी, अन्यथा वहाँ पे अगर कुछ बवाल होता तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बताइए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सूचना प्रसार मंत्रालय जो उनका रहा होगा उससे सूचना उनको रही होगी कि ऐसी संभावनाएं हैं जी, और यदि ऐसी संभावनाएं थी तो उसको सुधारने का उसको बचाने का कारण ना करके बल्कि ये एक चेतावनी जारी कर दी गई मौसम विभाग की तरह से कि भाई अब बारिश हो सकती है बचाव रखें जी। ये थोड़ा विचारणीय है जी, क्योंकि ये देश हित में नहीं है जी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल बंगाल की मुख्यमंत्री बंगाल को भारत का हिस्सा ही नहीं रखना चाहती है। अच्छा। भारत की संस्कृति को ही खत्म कर देना चाहती है। सौहार्द वातावरण चल रहा है, अगर बंगाल और बिहार को छोड़ दें, बंगाल बिहार राजस्थान, तो बाकी सब जगहों पे आपने कहीं पे भी ऐसी घटनाओं को नहीं सुना होगा जी। कितना अच्छा वातावरण चल रहा है जी, रोजा भी चल रहा है, रोजा का समय भी चल रहा है, उसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और अरे अभी अभी विवेक पांडे बोल रहे थे इतने, उन्होंने एनसीआरबी पर रिपोर्ट गिना दी, नंगे नंगे उत्तर प्रदेश में हुए, आपको वो अच्छा रिपोर्ट मैंने तो बनाई नहीं, एनसीआरबी के सोशल डोमेन पे आप देख लीजिए, वो बता रहे थे अभी सोशल डोमेन में है, देख लीजिए दंगे बोला, दंगे नंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। देखिए भैया हम ये मान सकते हैं कि इस बार जो कार्यक्रम हुआ है इसमें नहीं हुआ है, लेकिन जो आंकड़े हैं सालों के हिसाब से, मैंने आपको आंकड़े हजार में गिनती कर दी है, आपने गिना है मैंने सुना हां जी। समस्या ये भैया कि विवेक पांडे भैया ये तो बात कुछ ना कुछ तो कहेंगे क्योंकि भाई विपक्ष में बैठे हैं जी, कुछ ना कुछ एनसीआरबी के आंकड़े हैं, निवेदन पूर्वक आप बोलिएगा, विपक्ष में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो भाई वो भी इनका फर्ज बनता है विपक्ष की भूमिका अदा करना। अच्छा। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं विपक्ष का मतलब ही ये हो गया जी। दंगे अगर हुए, देखिए छुटपुट घटनाएं सब जगह होती हैं जी, उनको नियंत्रित कर लेने का मतलब ही होता है कि सरकार नियंत्रण में रखती है जी, ठीक है, क्योंकि अचानक से कहीं अगर छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं तो उस पर सरकार का नियंत्रण उस समय तो नहीं होगा, लेकिन उसको कंट्रोल कर ले गए, बड़ा दंगा नहीं हुआ, इसका मतलब होता है सरकार काबिल है, सक्षम जी, ठीक है। कोई बड़े दंगे ऐसे नहीं हुए, विवेक पांडे भी है, आप इसको मानना पड़ेगा, आपको आंकड़े देख रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो बात चल रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो बात चल रही है कि एक पसमानदा समाज, ब्राह्मण समाज या कायस समाज, ये जो बातें चलती हैं, आप मैं बताओ अगर कोई भी पार्टी हो, सरकार में आए या विपक्ष में बैठी रहे, देश के लिए आप कार्य करें, देश के लिए सोचे, 130 करोड़ जनता होने का मतलब होता है 130 करोड़ ब्रेन होना आपके पास। क्या बात, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है आपके ब्रेन, ठीक है ना, बट स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, व्हाई लैक ऑफ प्लानिंग्स, हमारे पास प्लानिंग्स नहीं है, हमारे पास प्लानिंग क्या है, सत्ता में आने की प्लानिंग है, हम ये नहीं कह सकते ये काबिल नहीं है, निश्चित तौर पे काबिल है, अगर ये काबिल नहीं होते भैया तो सरकार बनाने के लिए अपना जो वोट बैंक बना लेते हैं उस समय एकता कहां से ले आते हैं, ये एकता ला सकते हैं, सक्षम है जी, लेकिन निज स्वार्थ जी हावी हो जा रहा है जी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये सभी से कह रहा हूं मैं, किसी एक दल से नहीं कह रहा हूं जी, सभी से कह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से चले, जिस तरीके से वोट बैंक के लिए एकता ले आते हैं, उस तरीके से अगर देश के हित में एकता ही ले आए लीजिए, तो आप निश्चित तौर पे विश्व गुरु बना देंगे भारत को, ठीक, और ये बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन हम कर नहीं रहे, अपने अपने आप से ये पूछिए कि आप देश के लिए ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो आपके अंदर से खुद आवाज आएगी कि शायद नहीं कर रहे जी। आप लोगों से अनुरोध है, मैं सिर्फ रामनवमी के जुलूस के शोभा यात्रा पे हुए पथराव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक घटनाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश अगर कहीं अगर पीछे होता है तो तकलीफ हमें होती है, क्योंकि देश हमारा है जी, और हमारा देश अगर कहीं पिछड़ता है तो तकलीफ निश्चित तौर पे हमें होती है, एक सनातनी होने के नाते भी, एक इंसान होने के नाते भी, और सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते। क्या बात, तो भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करें जी, हम आपका साथ देंगे, पार्टी कोई भी हो जी, लेकिन निश्चित तौर पे ये घटनाएं भी रुकें और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एकजुटता लाने के प्रयास करें, ठीक है, सही मोहम्मद तकी। रामनवास भाई जब बात कर रहे थे बड़े मोहम्मद मुस्कुरा रहे थे, ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी थी कि आपके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी हुई थी, भाई अगर बता रहे थे अच्छा ही बता रहे थे, और आपसी सौहार्द की बात कर रहे थे, कोई बात अगर जानकारी दे रहे थे, तो ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी कि मुस्कुराहट आपकी बढ़ती चली जा रही थी, मैं तो देख रहा था भैया आपको पूरे घटनाक्रम में क्या कहेंगे जी। गौरव भाई, जहाँ जहाँ चुनाव आने वाले होते वहाँ का हिंदू पत्रे में आ जाता है। अच्छा। पश्चिम बंगाल चुनाव हो रहे थे वहाँ हिंदू पत्रे में आ गया था। अच्छा।
अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कर्नाटक में चुनाव होने वाले, वहां का हिंदू खतरे में आ गया है। अच्छा। तो जहां जहां चुनाव होने वाला होता है वहां वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है। अच्छा। और जहां चुनाव हो चुका होता है वहां के हिंदू ही निपटा देते हैं। अच्छा। और उसके बाद सारे हिंदुओं को लूटते हैं, धर्म का टीका लगा दिया है, और गैस महंगी कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, पढ़ाई महंगी कर रहे हैं, जनजीवन महंगा कर रहे हैं, लूट सबको एक तरफा रहे, लेकिन जब चुनाव होने वाला होता है तब इनको हिंदू कहलाता है, हिंदू खतरे में आ गया। अच्छा, हिंदू खतरे में। और मैंने तो खुद देखा है प्रत्यक्ष रूप से सामने कि लोग जो है वो जान बूझ करके, आप भगवान श्री राम का नारे लगाइए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब जुलूस मुसलमानों के एरियो से निकलता है या सिखों के आयोग से निकलता है वहां जान बूझ करके जो नारे लगाए जाते हैं भगवान राम की श्रद्धा में नहीं, उनके सम्मान में नहीं, दूसरों को उकसाने के लिए दूसरों को चढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा। जो मुसलमान भगवान राम का सम्मान करता है देश के अंदर, और जो हिंदू मुसलमानों का सम्मान करता है, वो कभी आपस में लड़ना नहीं चाहते, हमेशा प्रेम से रहना चाहते हैं। अच्छा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में अभी रमजान भी चल रहा है, अभी आपने कहा राम यहाँ जो है अष्टमी भी आई और नवरात्र के लोगों ने रोहत रखे, उस वही मेला लगता, उसी मेले के अंदर से मुसलमान निकलते हैं, उसी मेले के अंदर से हिंदू निकलते हैं, और वही आज के अकबरी गेट पे जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे मुसलमानों का त्यौहार के रमजान की तैयारी हो रही, वहीं से हिंदू भी निकल रहा है, वो भी कपड़े खरीद रहा है, वो भी सामान खरीद रहा है, मुसलमान भी ले रहा है, वहां कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लोग समाज में मिलजुल के रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान निकलना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग, इनके लोग नाम है लोगों के, अभी विवेक भाई ने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए, मैं देने वाला था लेकिन उससे पहले उन्होंने बोल दिया सब कुछ, आप लोग एक सारे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए आपने, कौन संगीत सोम जो है बीजेपी के जो विधायक थे उनका नाम आया है मेरठ पे दंगों में, साफ तौर से उनका नाम सामने आया, और बीजेपी, अरे बंगाल और बिहार पे बोल लीजिए, अरे दिल्ली दंगों में सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट ने गृह मंत्रालय की भूमिका को संदिग्ध मान लिया। लीजिए दूसरी बात, दिल्ली में दंगे जो दिल्ली की बात अभी भी आप कर रहे थे, दिल्ली में दंगों में कोई याद, अरे मैं तो आपको याद दिला था, कर नहीं रहता, याद दिला बता दूं आपको, दिल्ली में संगे हुए थे, दिल्ली के दंगों में इन्हीं के गृह मंत्री ने संसद में खुद बयान दिया था दिल्ली में दंगे हुए हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, दंगाए थे, उन्होंने वहां दंगे किए, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो आप देखिए कौन लोग हैं दंगे में इन्वॉल्व हो रहे, किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा। किस तरह की हरकतें करो, दंगों को उकसाओ, आप आइए, आप राम का सम्मान करते हैं, हम अल्लाह का सम्मान करते हैं, हम भी राम का सम्मान करते हैं। अच्छा। आप भी अल्लाह का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग सम्मान एक दूसरे की हदों में देखे करें, अगर हम जाके मंदिरों के अंदर अल्लाह पर चिल्लाने लगे और लोग मस्जिदों में जाके जय श्री राम तलवार दिखा करने लगे, लहराने लगे, झंडा फहरा दे, तो जाहिर सी बात, कहां चिल्लाया गया, कोई वीडियो इसका आया है, सब सब वीडियो आया है, सब ऑनलाइन पड़ा हुआ है, दिल्ली में भी हुआ था। अच्छा। और बिहार में भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में जो छतों पे पत्थर रखे गए थे, पेट्रोल पंप रखे गए थे, वो भी वीडियो आपने देखे होंगे। नहीं वो पलाने अलग से हो गया थी क्या, वो उसमें बहुत से लोग जो पकड़े गए थे वो बोर्ड से बरी भी हो गए हैं। हाँ। उसमें हम लोग के नाम भी है, तमाम लोग नाम भी है, उनको डिस्क्राइब करना चाहे आपको भी तकलीफ दे देगा ज्यादातर लोग, लेकिन जो है बीजेपी जो है इस तरह का उस मुद्दे पर नहीं बोलेगा, इस तरह से बीजेपी का वोट के ध्रुवीकरण होता है, बीजेपी को फायदा होता है। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए, हम सबको समझनी चाहिए, अच्छा। पहले से सबको समझना चाहिए, तो हम सब एक राष्ट्र हैं। अच्छा। सब मिलके एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी लोग बीजेपी को फायदे की बात सैयद मोहम्मद तकी बोल रहा है, सुन लिया, कौन सा फायदा है सुन तो लीजिए आप, जो लोग अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पाते वो कभी बाहर भी सम्मान नहीं पाएंगे। अगर आप अपने लोगों का अपमान करेंगे क्योंकि वो दलित है, क्योंकि पिछड़े हैं, क्योंकि ओबीसी हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो पसमंदा समाज है, क्योंकि अल्पसंख्यक है, उनको लगातार अपमानित करेंगे, उनको वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो बाहर भी आप सम्मान नहीं होगा। अच्छा। उसका एग्जांपल अभी विवेक भाई ने दिया है कि अरुणाचल में चीन ने 11 गांव के नाम बदल दिए, अपने अनुसार रख दिए, योगी जी यहाँ नाम बदल रहे थे, चीन ने वहां नाम बदल दिए। अच्छा। योगी जी यहाँ अपने खुशी हुई कि दर्द हुआ, हमें दर्द हुआ इसलिए तो बताया कर रहे हैं। अच्छा। योगी जी अपनों पर बुलडोजर चला रहे हैं, वहाँ चाइना जो बॉर्डर बुलडोजर बड़े बड़े चला रहा है, और चाइना जो भारत की जमीन पे कब्जा किए ले रहा है, इन्होंने खुद कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि जमीन जो है जो हमारे रक्षा मंत्री चीन ने हथियार लिए बयान दिया उन्होंने, तो इस तरह की हरकतें जो देश में हो रही है, अगर हम एक दूसरे को एक साथ नहीं ला पाएंगे, भगवान ना करे, तो आपका कहना है कि रामनवमी पे जो जुलूस यात्रा वाले थे उन्होंने लोगों को उकसाया, उकसाने के कारण देखिए तो बच्चा बच्चा जाता है देश। अच्छा। का बच्चा बच्चा पिछले 30 साल से बीजेपी जो कर रही है उसको देख रहा। अच्छा, है बंगाल में मई 2021 में जब ममता बनर्जी सरकार बन के आई थी तब वहां पर आगजनी हुई थी, उसके वीडियो आपने देखे थे? जी मैंने, वहां पर नारे लगाए गए थे क्या, वहां पर जुलूस बता दीजिए तकी भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहां पर नारे लगाए गए थे क्या, कि वहां पर जुलूस निकाला गया था, उस पर बोल दीजिए कुछ, वो भी प्रायोजित थी, वो भी प्रायोजित थी, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ रेप हुए, हत्याएं हुई, वो प्रायोजित थी, वहां नारे लगाए गए, वहां रामनवमी थी या जुलूस था, बता दीजिए थोड़ा, इसका ज्ञान भी मुझे दे लीजिए, जानना चाहता हूँ।
आप बोल लीजिए, मैं बोल लूँ, बोल लीजिए, मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे जी। पश्चिम बंगाल में जो भी दंगे हुए थे वो दंगे बस्ती कराए गए थे, बेवजह कराए गए थे, ध्रुवीकरण करने के लिए। रामनवमी थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, माता दुर्गा का वहाँ सम्मान है, और दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं आपके पास लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा अलग समय होती है, मई की बात है, मई में दुर्गा पूजा नहीं होती, ठीक है, मई में दुर्गा पूजा नहीं होती, मई में दुर्गा पूजा नहीं होती भाई, आप समझे, दुर्गा पूजा होती है मई में नहीं होती है, मई में नहीं होती है, मैं मई की बात नहीं कर रहा, दुर्गा पूजा की वो तो वहाँ होती है भाई, पूजा हर जगह होती है, दुर्गा पूजा के वो हर समय होती है, वो दुर्गा पूजा पंडाल पंडाल पश्चिम बंगाल में हिंदू भी लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं। वीडियो आप मैंने देखे दुर्गा, अभी आप हमें तो वीडियो दिखाने की बात कर रहे थे, वो वीडियो सर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो गया था, उसकी जब उसको उसको सतह में गए, उसके ग्राही में गए, तो पता चला इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं लोगों ने उसको मर्डर कर दिया। अच्छा, बीजेपी के लोगों का नाम था। अच्छा चलो ठीक है, बीजेपी के लोग तो अपनी गाड़ी में आग लगा देते हैं, कहते किसी ने आग लगा गाड़ी में। अच्छा चलो ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत खराब लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, ठीक है ठीक है। सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, सुनील त्रिपाठी बोले, आपकी बात आ गई। सुनील भाई, सुनील भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। सुनील त्रिपाठी जी, सुनील भाई जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है जी। भाई मेरे, मैं कबीर दास जी का एक दोहा कहना चाह रहा हूँ। बोल लीजिए, आप तकी मोहम्मद नहीं बोले, कहे मोहराम प्यारा, सही मोहम्मद तकी नहीं बोले तो आप बोल लीजिए जी, बोलिए जी। गौरव जी जी बोलिए। हिंदू कहे मोहराम प्यारा, तुरक कहे रहमाना जी, और आपस में दो लड़ मर गए, मरम न काहू जाना। बिल्कुल, आज यही हाल हिंदू और मुसलमानों के बीच में है गौरव जी। अच्छा, आप देखिए, कोई हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई नहीं चाहता है कि हम रामनवमी पे या जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के पर्व हैं उसमें कोई दंगा हो। बहुत बढ़िया बात कही आपने जी। लेकिन लेकिन चंद लोग जो देश विरोधी तत्व हैं जी, भारतीय सभ्यता को, हमारी हिंदू जमुना जमुनी सभ्यता को प्रभावित करने के लिए जी, ऐसे कुछ तत्व हमारे हिंदुस्तान में हैं जो चाहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के नाम पर लड़ते रहें, और बढ़ती हुई जो दुनिया में छवि हमारी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जी। और अभी ममता जी की आप बात कर रहे थे जी, गौरव जी बंगाल की जो स्थिति शुरू से खराब रही है जी, सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जी बंगाल में ही ममता जी के वोटर है, जो मुझे जानकारी है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में वोट के चक्कर में ममता जी खुद चाहती है कि वहां हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे और हमारी सत्ता बनी रहे। अच्छा, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से लड़ाना ये ममता जी की पुरानी राजनीति है, और यही कारण उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग में आप जाएंगे अगर हिंदू लोग, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा गौरव जी जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि लखनऊ से सटा हुआ एक सीतापुर जिला है जी, आज 90 में पूरे प्रदेश दंगे हुए जी, लेकिन जनपद सीतापुर में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, और आज भी ताजिए और ईद बकरीद होली साथ मनाई जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं जब गंगा जमुनी सभ्यता देखी जा सकती है तो हमारे पड़ोसी जनपद सीतापुर में। क्या बात है, जबकि हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत हैं और हिंदू भाई भी बहुत हैं, कभी दंगे नहीं होते हैं जी। अब मैं आ रहा हूँ, सपा प्रवक्ता विवेक जी बहुत प्रवचन दे रहे थे, बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ। प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, बहुत प्रवचन दे रहे थे। अच्छा, तो हमको तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा भयंकर हुआ नहीं, इसलिए विवेक जी की नींद जो है, अगर एक चूहा भी मर गया तो दंगा मान लेते हैं ये। अच्छा, चूहा ही मर गया लीजिए, क्योंकि हिंसा हो गई। हाँ, इनकी पार्टी इनकी पार्टी दंगाइयों की पार्टी रही लीजिए जी, जब तक मुजफ्फरनगर करना, मुजफ्फरनगर में लेकिन पूरा प्रदेश जलाया है, मुजफ्फरनगर में लेकिन भाजपा के विधायक को कोर्ट ने क्यों कन्विक्ट किया ये भी तो बता दीजिए, मुजफ्फरपुर दंगे में। अरे विवेक जी, क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती है या नहीं होती बताइए। अच्छा, नहीं तो भाजपा का ही नेता आप, क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा तो सवाल है। आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि राजधानी के चौक में आपके पार्टी के एक चर्चित नेता ने दंगा कराया, भाजपा के नेताओं के जो मुस्लिम विरोधी बयान है क्या वो सामाजिक समरूपता का प्रतीक है क्या? आदरणीय भैया, आदरणीय सुनील भैया, आदरणीय सुनील भैया, क्या भाजपा नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान सामाजिक समन्वयता के प्रतीक है? आप बताइए, हाँ या ना। भाई मेरे अगर बोलने दो तो बोलूं। बोले बोले, अरे नहीं, आप बोले 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 बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी कुछ वीडियो देख जी, बोले 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 बोले, आ रही मुझे आपकी, बोलिए
ऐसा ऐसा करो जी, जी। कि आपने कुछ वीडियो देखे होंगे कि मुस्लिम लोग नंदी बन करके घूम रहे थे, अच्छा, बैलों को लेकर के, अच्छा। तो जो भगवा वस्त्र पहन करके मस्जिदों में जा रहे हैं, क्या वो हिंदू हैं कि नहीं है? क्या वो चाहत वही लोग तो नहीं है जो हिंदू और मुसलमान के बीच में देश बदल बदल कर दोनों को लड़ाते रहते हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वस्त्र के साथ साथ जो व्यक्ति वहां चढ़ा गया है वो किस समुदाय से है। जी। हमारी सभ्यता, हमारे संबंधों को, हमारे स्नेह को खत्म करने के लिए हो सकता है एक ये भी साजिश हो कि आप भेष बदल करके दोनों भाइयों के मध्य में जाइए और लड़ाइए आपस में। जी। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए गौरव जी। लेकिन मैं मानता हूं कि रामनवमी जैसे पर्व पर कोई भी जो समझदार बुद्धिजीवी हमारा भाई है अल्पसंख्यक मुस्लिम, वो इस तरह कृत्य घृणित कृत्य नहीं करेगा। हर धर्म तो कौन किया है? हर धर्म के जी कौन किया है सुनील भाई, ये कौन किया इस तरह कृत्य? ये देश विरोधी तत्व तो हैं। अच्छा गौरव जी, जो चाहते हैं कि हमारी हिंदू मुसलमान शेर मोहम्मद तक ही बोला, बीजेपी वाले खुद करा देते, आग लगा लेते, हत्या कर देते हैं, नाम दूसरे पर लगा देते हैं। ये कहां दूध चले हैं इनके? तो दिल्ली में आपने देखी देखा होगा कि लोगों घरों पत्थर देंगे, सभासद इनके विधायक पत्थर तक गुलेल तक नहीं, वो भूल गए, वो वीडियो नहीं देखा है, वो फोटो इनको याद नहीं, देखा होगा इन्होंने, नहीं देखा। इनका तो काम है ऐसे असामयिक देश विरोधी तत्वों को पालना और हिंदू मुसलमान भाइयों की दूरी पैदा करना। पार्टी का विधायक नहीं, ये ऐसे लोगों की होती है जो हम लोगों के भाईचारे को नष्ट करने के लिए ही ऐसी पार्टी का जन्म होता है। आप गुलेल रख रहे हैं, आप नहीं दिखाई पड़ा होगा, तो पत्थर नहीं दिखाई पड़े होंगे आपको, लेकिन आपको जो दिखाई पड़ा होगा भाजपा लोग करा रहे हैं। अरे मोहर थोड़ी लगी है हमारे आपके ऊपर, ऐसे लोग पहचान होनी चाहिए भाईचारे को नष्ट करने के लिए भेष बदल करके एक दूसरे के धर्म पर पहुंचाते हैं। ठीक है। रामनवास जी यारा बोलेंगे। रामनवास भाई, आपने सबकी बयान सुने, विवेक पांडे, विकास मिश्रा, सैयद मोहम्मद तकी। विवेक पांडे और सैयद मोहम्मद तकी ने स्पष्ट किया कि आप लोग जानबूझ के स्त्री चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और अगर वहां पर असला लेके निकलेंगे, मस्जिदों पर झंडे लगाएंगे, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हमारे देश के लिए नहीं है, और जिस तरह का उनका आरोप है बीजेपी पर, कैसे देखते हैं? गौरव जी, आपने देखा कितनी मतलब सफाई से जी दंगाइयों की मदद करते हुए आपके न्यूज चैनल पे जी ये दोनों प्रवक्ता बंद हुआ है, लीजिए उनके बारे में सब नहीं बोला। बोल लीजिए पश्चिम बंगाल में जी इस प्रकार से दंगाई दंगा कर रहे हैं जी, भाई दंगाई दंगाई होता है, को दंगाई होता है जी, वो सरकारी संबंध नुकसान करता है, वो हिंदू मुस्लिम सब भी करता है, लेकिन उसके बारे में एक शब्द निकला होता है। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के मित्र मेरे इतने आंकड़े दे दिए और ये सब आंकड़े जो है हल इन्हीं के पास आते हैं। अच्छा अभी सुनील जी देखते नहीं, आपके नेता गूगल पे एमएमएस देखते हैं तो हमारी गलती है। सुनील जी आपके नेता चलते सदन पे गूगल पे एमएमएस देखे तो हमारी गलती है। आप देखिए ना आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, नीति आयोग के आंकड़े देखिए, अश्लील एमएमएस देखते हैं आपके नेता सदन में बैठ कर, इसी वजह से आपको नहीं पता होता है। आप लोग कभी जानना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल में बिहार में लोग एसआई की रिट पेंडिंग कर रहे हैं, आपके बाबा जैसा कानून खारिज हो गई, यहाँ लाया जाए। अब आपके नेता कुछ जानते ही नहीं, अपग्रेड होते ही नहीं, जानकारी रखते नहीं, हमारी गलती है क्या? जब पश्चिम बंगाल में बिहार के लोग कह रहे हैं कि बाबा जी जैसा कानून यहाँ आना चाहिए, तो वही समझ लेना चाहिए लोगों को कि बाबा जी का कानून कितना कारगर है। यहाँ दंगा बाबा जी के कानून का एक उदाहरण दूंगा गौरव भाई, इनको बोलने नहीं, एक उदाहरण दूंगा। शांत रहिए, अपने मौके पे, अपने मौके जी जी अपने मौके बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा दंगा होना हो सकता है, अच्छा, लेकिन तुरंत कंट्रोलिंग, अच्छा, चौक में हुआ तो था जी, दो घंटे में सारे दंगाई पानी मांगने लगे थे लीजिए। और पश्चिम बंगाल में आज एक एक हफ्ते हो गया दंगा हो रहा है जी, बिहार में एक हफ्ते हो गए, उन्हें दंगाइयों के संरक्षण दिया जा रहा है। अच्छा परिवार विरोधी लोग यही कारण है कि शब्द में नहीं बोल सकता, एक टेनी अगर दंगाई एक दूसरा हत्या है, अच्छा, अगर आजकल लाशों की राजनीति करती है तो निश्चित रूप वो एडवोकेट सुरेश चंद्र राठौर की मौत और हत्या भाजपा के ऊपर है। अच्छा, उसने केवल और केवल अपना राजनीतिक रसूख दिखाने के लिए गाड़ी मेन रोड पे पार्क कर दी, परिवारजनों ने हाथ जोड़ा, दौड़ा दौड़ मारने के लिए दौड़ा,
बीवी हाथ जोड़ करके खड़ी रही, उनकी मौत हो गई। अच्छा। सबसे बड़ी बात, वो ओबीसी के थे। अच्छा। लोक दल के सीतापुर जिला अध्यक्ष थे। अच्छा। आप ओबीसी केवल मोदी समुदाय को मानते हैं क्या? हाँ। नहीं, नहीं, हम तो खाली अखिलेश जी को मानते हैं। नहीं नहीं, आप ओबीसी समाजवादी पार्टी, बताइए आपके नेता की मौत हुई है। मैंने कहा ना, एक अधिवक्ता की मौत हुई दंगाइयों उसी सीतापुर में, जहाँ किसानों के दंगाइयों का सैनिक लोग न्यूज चैनल पे बैठ चुके हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे नेताओं को सर चाहिए। इसके अंदर राजनीतिक प्रचंड अहंकार है। काम करने वालों का संरक्षण दे रहे। किसके अंदर प्रचंड राजनीतिक अहंकार है बताइए? समाजवादी पार्टी किसके नेता है? समाजवादी पार्टी के लोग किसके नेता है? परिवार वाले भाजपाई दंगाई संरक्षण देने लगे। मिश्रा किसका नेता है? सर की बात है, दंगाई दंगाई होते हैं, किसी जाति धर्म के नहीं। अगर किसी धर्म के भी है, राजनीति करते हैं, हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक वकील की हत्या हुई आज आपकी वजह से, आपके नेता की वजह से। चले ठीक है, ठीक है। उसी सीतापुर की बात है, बात नहीं करेंगे, दंगाइयों पर बात नहीं करेंगे। दंगाइयों को जब तक वोट बैंक के रूप में प्रयोग होता रहेगा, निवेदन प्रदेशों में सीतापुर होता रहेगा, कोई इसका केस न ले। इसीलिए भाई मेरे कारण पश्चिम बंगाल के लोग मांग कर रहे हैं बाबा जी का मॉडल पश्चिम बंगाल में आना चाहिए। बिहार के लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा जैसा मॉडल यहाँ आना चाहिए। तो कहीं न कहीं दंगाई से लोग परेशान है ना, तभी तो बाबा जी जैसा मॉडल मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे कहता तो हूँ, किसी दंगाई की हैसियत नहीं है, नहीं है कि दंगा करके दिखाए। उसके सीने पर पुलिस से गोली पड़ेगी, किसान कहीं नहीं पड़ेगी। दबंगों से जमीन छुड़ाने के लिए बाबा मॉडल में अपने हाथ की नसें काट के पत्र को लाल करके अपनी जान दे देता है। दंगा पे बात नहीं करेंगे, दंगाई पर बात नहीं करेंगे। दंगाई बात नहीं करेंगे, उनको संरक्षण। दंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, दंगाइयों पर बात करिए ना। जो तीन प्रदेशों में दंगे हो रहे हैं, भाजपा पर बात करिए ना, उनको संरक्षण देंगे। उनको भाजपा दंगा ही है। अच्छा, बंगाल में, बंगाल बिहार में भाजपा दंगा कर रहे हैं भाई? जहाँ ये कमजोर है वहाँ दंगे हो रहे हैं। अच्छा, तो ये लोग दंगे कर रहे हैं क्या? चुनौती है वहाँ दंगे हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ चुनौती, वहाँ दंगा, दंगे हो रहे हैं दिल्ली के। अच्छा, यूपी में कमजोर है क्या ये लोग भाई? यूपी अभी आप ही बोले दंगे हो रहे हैं, कमजोर है क्या यूपी में? यूपी में तो 114 नहीं, विवेक पांडे जी को लगता है यूपी में दंगा का। हम कहते हैं हिम्मत हो तो गंगा करके दिखाएं, करा देगा, दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं करने की। बिहार में कर सकते हैं, बंगाल में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा जी का बुलडोजर तैयार है। किसी दंगाई की हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे मतलब नहीं है, ऐसे संरक्षण प्रयोग उनके होते हैं भाजपा के। अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी के संरक्षण दाता उनके, उनको संबंध उससे नहीं है। अच्छा, लेकिन दंगाई दंगाई होता है, किसी जाति धर्म का है। ठीक है, हमारी सरकार उसके खिलाफ। मोहम्मद तकी कुछ बोल रहे हैं, तकी भाई किसका नेता है जी? वर्मा किसका सांसद था? चलिए, जो कि मुस्लिमों का बहिष्कार करा था, जो दंगा कराया था, किसका नेता था? आपकी पार्टी ने कहा था, आज जेल में सड़ रहा है, उसको भी देखने काम करिए। आपकी पार्टी का नेता था जो आज जेलों में सड़ रहे हैं। 5 करोड़ आप लेंगे, देखेंगे हम। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सही मोहम्मद तकी कुछ बोल रहे थे आप, नाराज हो रहे थे। याद दिलाना चाहता हूँ कि मुंदेर शहर में जो इंस्पेक्टर को मार दिया गया था, वो दंगे से माहौल बनाया था, वहां हमला करने का प्लान था, वो दंगा नहीं था। अच्छा। जो कुछ शर्मा के बयान के बाद जो कानपुर में, वो दंगा नहीं था। अच्छा। और उसके बाद जो है यहाँ इतने सारे दंगे हुए, जो सीतापुर में किसान के ऊपर जीप चला दी थी और माहौल खराब कर दिया, दंगा नहीं था। हाँ, सरस में दलित को रातों रात जला दिया, उसके माहौल खराब कर दिया, किसी को अंदर घुसने दिया, कैसा माहौल हो गया था। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कई जगह पे दंगा कर रही है। भाजपाई मतलब दंगाई। अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री है, वो बयान देते हैं कि बिहार के अंदर आतंकवाद पनप रहा है। अच्छा। पश्चिम बंगाल में आतंकवाद पनप रहा है। हाँ। पंजाब में आतंकवाद पनप रहा है। अच्छा। आपका है गृह मंत्री बने हो भाई, इस्तीफा दे दो। अच्छा। सब जगह आतंकवादी हो रहा है। अच्छा। पूरे देश को आतंकवाद बनाने में लोग अपने यहाँ के आतंकवाद को बताते नहीं, उसको टैकल करते हैं। अच्छा। हमारे पहले गृह मंत्री है जो जाके चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है, जहाँ जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, वहां सब जगह आतंकवाद हो रहा है। अच्छा। केरल में आतंकवाद हो रहा है, साउथ में आतंकवाद हो रहा है, पश्चिम बंगाल में आतंकवाद हो रहा है, पंजाब में आतंकवाद हो रहा है, दिल्ली बताएंगे जहाँ जहाँ वहाँ पे आतंकवाद। अरे जवाब मिल जाए, सब क्वेश्चन कर लेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। अरे जवाब तो लेने दीजिए ताकि भाई, जवाब तो लीजिए बीजेपी से। आप तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं, बोलिए। गौरव भाई कैसी विडम्बना है जी, पश्चिम बंगाल में दंगा हो, अमित शाह जी से जो है इस्तीफा मांगा जाएगा। हाँ, बिहार में दंगा हो, अमित शाह जी के इस्तीफा मांगा जाएगा।
राजस्थान में दंगा हो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा जाएगा, दिल्ली में दंगा हो तो अमित शाह जी जिम्मेदार है। आखिर इन प्रदेशों की सरकारें क्या करती है? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है दंगई वही क्यों धूम धमा के भाग जाते हैं? जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं विपक्ष की सरकारें हैं दंगई वही से उठा के दंगा करते हैं। इसलिए माननीय अमित शाह जी ने बिहार में ऐलान किया हमारी सरकार आएगी दंगाइयों को उल्टा टांगेंगे। टांगा गया दंगाइयों को उल्टा टांगेंगे अगर हमारी सरकार आई। उल्टा टांगेंगे बोल रहा है के माध्यम से कहना चाहता हूँ दंगाई कोई भी है साधारण हो जाए अगर बीजेपी उल्टा टांगा जाएगा। बोलिए अपनी बात पूरी करिए रामनाथ भाई। नहीं उल्टा टांगा जाएगा जहाँ जहाँ दंगाई दंगा करेंगे। अच्छा हमारी सरकार है तो वहाँ हम तो टांगी रहे हमको उल्टा, लेकिन जहाँ उनकी सरकारें हमारी नहीं है अगर सरकार हमारी आई तो ऐसे दंगाइयों को उल्टा टांगने काम करेंगे माननीय अमित शाह जी। मुख्यमंत्री बना देंगे आप फिर दंगा किया उनको माला पहनाएंगे आप जी उनका सम्मान करेंगे आप उनको मंत्री बना लेंगे। अब आम आदमी पार्टी के इनके पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। अच्छा कुछ है इनके सारे मंत्री जेल में फंसा दो ही जो बच्चे जेल में जाने वाले हैं। अच्छा जाने वाले विधायक भ्रष्टाचारियों का जो अड्डा उसको खत्म करने काम कर रहा है। अच्छा और इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं इनको ना पश्चिम बंगाल में दंगा दिखेगा ना राजस्थान में दंगा दिखेगा ना बिहार में दंगा दिखेगा। इनको अगर उत्तर प्रदेश आज तरक्की कर रहा है इस पर नजर लगाने के लिए इनकी नजर लगेगी लगी रहेगी उत्तर प्रदेश दंगा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं किसी भी दंगाई की हैसियत नहीं है यहाँ दंगा करके दिखाए। डिग्री के पीछे डिग्री ने कहा चले भाई डिग्री मुद्दा हो गया हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि आपके नेताजी को हाईकोर्ट ने सजा दे दिया जानकारी है जुर्माना दे दिया कि आप गलत मांग रहे हैं आज का खारिज कर दिया हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट ने किया है गुजरात सारे फैसला है इस तरह के। अच्छा अगर हिम्मत है तो हमारे दामान का दावा करें बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर। अच्छा कोर्ट में जाए अच्छा, ये तो इनको जमीन में गाड़ दो कहेंगे अभी भी नहीं गड़े हमारी पूछ पर दिख रही। अच्छा भाई हाई कोर्ट ने कह दिया जुर्माना लगा दिया फिर भी कह रहे कि हिम्मत हो तो हम हान कर। अरे भाई अगर शर्म लिहाज कुछ है तो कोर्ट ने जुर्माना लगाया है अगर उसको भी नहीं मानते हैं तो फिर क्या मानेंगे भाजपाई बाद आ जाए दंगाई। अच्छा अच्छा दंगा होगा भाजपा आएगी। अच्छा दंगा भाजपा आएगी पंजाब में दंगा हुआ फैलता तो भाजपा आती है। अच्छा ठीक है ठीक है जहाँ दंगा हो तो वहाँ भाजपा आती है ठीक है। विकास मिश्रा क्या राय है आपकी भाई यहाँ पर तो समझ सभी समीकरण आपने सुन लिए सबकी बातें ले ली सबके कसीरे सुन लिए सबकी बात ले ली। देखिए जो अभी तक की डिबेट हुई काफी सही जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा था हाँ, कि असले लेके जा रहे हैं हाँ, और मेरे ख्याल से मैंने अभी उदाहरण तकी भाई को दिया कि बंगाल में जब मई 2021 में ममता सरकार आई थी वहां पर कोई जुलूस नहीं निकल रहा था वहां कोई असले लेके नहीं टहल रहा था वहां पर कोई राम नाम के नारे नहीं लगा रहा था पर वहां पर जानबूझ कर घटनाएं हुई दुकानें लूटी गई मारपीट हुई रेप तक हुए बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। सखी भाई सुन लीजिए सैयद मोहम्मद तकी मई 2021 की घटना पे आपके पास जवाब नहीं फ्री बेकार पैसा सुनिए जवाब नहीं आपके पास बोल दीजिए आपने बोला सपा के जो हमारे प्रवक्ता उन्होंने भी बोला कि तमाम वीडियो देखे हैं जिसमें असलहे लेके लोग जा रहे हैं जिसमें झंडा जो है मस्जिद में लटका दिया गया। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ बिहार में बंगाल में जाकर के किसने जांच कर ली क्या उन वीडियो की जांच आपने करी वो वीडियो के थे वो वीडियो जो आप बात कर रहे हैं वो वीडियो पिछली बार राजग्राम नौमी के दिया गए थे वो बनाए हुए वीडियो है जिनको आप यहाँ पे कर रहे हैं। पहले तथ्यों को देखे इसी हिंसा के थे नहीं थे पूर्व की हिंसा के तो नहीं थे उसके बाद आप बंगाल सनातनियों पे जिस तरीके से आप आघात करने प्रयास कर रहे हैं कि सनातनी जो है असलहा लेकर के चलता है मान्यवर आपको बता दें सिर्फ आप आज आप कह रहे हैं सनातनी तो है सदा से रहा है कभी उसने हिंसा की आज तक कोई हिंसा सनातनी ने की है किसी मंदिर में आपने किस तरह के संघोष होते देखे हैं किसी मंदिर में इस तरह के संघोष होते देखे
किसी मुस्लिम जुलूस पे कोई पत्थर नहीं उछलते देखा आपने? जहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे मुस्लिम के किसी जुलूस पे पत्थर उछलते देखा आपने? और आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपने कहा आप कह रहे थे आपका कोई मंत्री नहीं है। मैं आपको बताऊं एक सवाल सच तो मैं भी जानता हूँ जो दिल्ली दंगे में उसका पूरा फोटो भी आया था, नाम भी आया था, वीडियो भी था। किससे झूठ बोल रहे हैं आप? हमसे जनता से झूठ बोल रहे हैं जी। अपने गिरफ्तार में जाके देखिए आप क्या कह रहे हैं। सनातन पे आप उंगली उठा रहे हैं, सनातन को आप बता रहे हैं कि वो इस तरीके की हिंसा करने वाला है। शर्म नहीं आ रही आपको? आप इस डिबेट में सिर्फ भाजपा और विपक्ष दिखाना चाह रहे हैं। एक शब्द भी आप लोगों के मुंह से नहीं निकला कि हाँ ये हिंसा निंदनीय थी या नहीं होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति वोट बैंक के चक्कर में ऐसी बात बोल रहे हैं और आप दूसरे को बता रहे हैं, दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने गिरफ्तार में जाके देखिए सैयद मोहम्मद तकी जी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आप इस्लाम की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं इस्लाम भी ये कहता है, इस्लाम भी ये कहता है जो व्यक्ति इंसानियत को नहीं मानता उसको वो कहता है कि वो रहने लायक नहीं। लेकिन वो ये नहीं कहता कि किसी धर्म को, अगर आपके धर्म को नहीं मान रहा है किसी और धर्म का, तो उसको आप इस तरीके से हिंसा का पात्र बना दें। पहले आप उस चीज को समझें। और ये आप जान रहे हैं, ये आप जान रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, इसीलिए आप अब शांत भी हो गए। चलिए चलिए सुनील त्रिपाठी, जवाब दीजिए। हम तो बहुत जान रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। सच्चाई पे बात भी करिए ना, देख रहे सब जान रहे। आपने इतने आंकड़े गिना दिए किस पे? बंगाल हिंसा पे। आम आदमी पार्टी गई है जांच करने, आपने देखा है? पहले वीडियो जो आप दिखा रहे हैं हिंसा से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अगर अभी कोई और मुद्दा होता और ये वीडियो कहीं भाजपा या कोई और दिखा रहा होता तो आप कहते वीडियो की भी जांच नहीं हुई है, इसकी सत्यता प्रमाणित करें। लेकिन आज आपके मुंह से निकल रहा है तो बिना सत्यता प्रमाणित किए आप उसको आधार मान रहे हैं। यथार्थ पे आइए, यथार्थ पे बात करिए। सबको पता है, सबने देखा था वहां पे एक मुस्लिम जुलूस बता दिए जिसपे सनातनियों ने पथराव कर दिया हो। मैं बता सकते हैं, बोल रहा हूँ संपूर्ण सौहार्द से, संपूर्ण सौहार्द से, पूरी जिम्मेदारी से हिंदू सपोर्ट करता है जी। कभी भी किसी मुस्लिम जुलूस पे किसी सनातनी ने पत्थरबाजी नहीं करी बल्कि सपोर्ट करता है जी। बता दीजिए कोई जुलूस निकला है क्या? सामाजिक सौहार्द जिसको कहते हैं जी, कोई जुलूस निकला है क्या? और जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तो कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सुनील त्रिपाठी बोलेंगे। सुनील भाई फाइनल, सुनील त्रिपाठी आखिरी कमेंट। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी बोलिए, बंगालियों को अपराधियों को कौन कौन पोषक होता है? खाकी और खादी के बीच में दंगाई और अपराधी पलते हैं जी। जिस प्रदेश में खाकी और खादी जिस दिन संकल्प लेगी अपराधियों खाए नहीं रोजी, न दंगाई करेंगे न वहाँ अपराधी रहेंगे। बिल्कुल। और आज उत्तर प्रदेश में यही हाल है, देख लीजिएगा, यहाँ दंगाई दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी बहुत महत्वपूर्ण कि बंगाल टू बिहार हिंसा का जो इस समय दौर जारी है कहीं ना कहीं वो हमारे देश की आपसी सौहार्द को खत्म करता है, हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार और समान सम्मान प्राप्त है। अगर किसी जुलूस पर कोई पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं ये उस धर्म के लिए और साथ ही साथ जो पत्थरबाजी कर रहा है उसके लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे देश में ना कभी थी और ना कभी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं हमारे देश के आपसी सौहार्द को ख़त्म करती हैं। आने वाले समय में हमको एक लक्ष्य बना के उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि लोग समझें, और मेरा मानना यह है कि इस घटनाओं पर राजनीति ना करके सभी दलों को आगे आकर एक बात कहनी चाहिए कि अगर आप इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो हमारा देश का जो अन्य लोग हैं जिस पर पथराव हुआ वो भी भारतीय थे, और जिन्होंने पथराव किया शायद वो भी भारतीय थे, और इस पथराव की घटनाओं को अलग करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान केवल भारतीय व्यवस्था और संस्कृति का ही हो रहा है। तो भारतीय बनाए रखिए और कम से कम इस नफरत की राजनीति से अलग एक आपसी सौहार्द बना के रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसान का धर्म। क्योंकि अगर इस मामले पे बात कहूँगा या मुद्दे पे बात कहूँगा तो मुझे बशीर बर्द साहब का एक शेर बहुत साफ साफ नजर आता है और याद आता है कि 60 संदूकों में बंद कर दो नफरतें, 60 संदूकों में बंद करके रख दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।